गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो इसमें काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि मिशन लाइफ लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो बहुत ही बेहतरीन एक आर्टिकल है जिसमें कि न्यू स्टेप्स लिया जा रहा है, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री, अगेन दिस इज़ वेरी लेंथी आर्टिकल, तो इससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अर्बन फ्लडिंग जो हर बार की तरह इस बार भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है अर्बन फ्लडिंग, तो इसके बारे में डिटेल में है आर्टिकल, इसे भी देखेंगे। देन यहाँ पे है मॉबल केव, तो ये एक न्यूज़ में रहा है तो इस केव को देखेंगे, और जितने भी न्यूज़ यहाँ पे शॉर्ट्स में है तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि है मिशन लाइफ। सो लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ओके, सो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और ये आप देखो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवाड़िया में है गुजरात में, वो यहाँ पे इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग जानते हो कि गुजरात में है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि बेसिकली ये लाइफ के बारे में कहा क्या जा रहा है। तो देखिए मिशन लाइफ है जो कि एक इंडिया लीड ग्लोबल मास मूवमेंट है जिसका एम है कि इंडिविजुअल को ये बताना और कलेक्टिव एक्शन भी लेकर आना जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। फाइन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन जो क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन FCCC, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था ग्लासगो में, तब ये कॉन्सेप्ट उस समय निकल कर आया। बात अभी हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में, डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं, बट ये आप देख सकते हो कि ग्लासगो में जो यहाँ पे ये जो डिस्कशन हुआ उसकी का ये रिज़ल्ट है। ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट 1 बिलियन जो इंडियन है, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको मोबिलाइज करना। बेसिकली आज के डेट में देखते हो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के कई ऐसे कुछ न्यू रूप हम लोग देख रहे हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखा। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो 1 बिलियन इंडियन है और अदर जो ग्लोबल सिटीजन्स है उनको भी यहाँ पे ये बताना है कि कैसे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड भी रखा गया है कि हमें मेनली यहाँ पे फोकस करना है 5 साल जो कि 2022 से लेकर 2027 के बीच में है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो आप जानते हो कि एटलीस्ट 80% जो विलेजेस है ग्रामीण एरिया में और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है इनका एम है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे हम लोग बन सके, वो भी 2028 तक। तो ये एक टारगेट हमारे देश में लाया गया है, तो इस टारगेट को भी पूरा करना है। मिशन ड्यूरेशन क्या है? मिशन ड्यूरेशन ये देख सकते हो कि 5 ईयर्स का प्रोग्राम है 2002 से लेकर 2027 तक, और 3 कोर शिफ्ट यहाँ पर देखा जा रहा है। और 2022 और 2023 में कहा जा रहा है कि मेनली यहाँ पर फर्स्ट फेज पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में है, तो हमारे यहाँ जो थिंक टैंक है नीति आयोग वो यहाँ पे क्यूरेट करेंगे और मिशन लाइफ को देखेंगे, वो भी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो नीति आयोग की झोली में आकर गिरा है। और बेसिकली आप देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। फाइन, तो 3 फेजेस हम लोग देख लेते हैं। मेनली यहाँ पे आप देखो कि चेंज इन डिमांड, जो डिमांड है उसे हम लोग कहीं ना कहीं चेंज करना होगा। आज की डेट में आप देख सकते हो कि हमारी पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक ऐसी भयंकर तरीके की प्रॉब्लम है जिसे आज की डेट में हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो हमें अपनी आदतों को चेंज करना होगा, हमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम लोग को यूज़ ही नहीं करना है। तो बस क्या है कि डिमांड हमारी चेंज होनी चाहिए कि हम लोग कहीं पर भी जाएँ तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का डिमांड नहीं करें, उसको हम लोग ना यूज़ करें ना उसको हम लोग परचेज़ करें कहीं से भी। ठीक है, तो डिमांड चेंज होगी तो उसके थ्रू आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक्स जो है वो मार्केट में नहीं फैलेंगे, ना ही इन्वायरमेंट में जाएगा और ना ही हमारे स्पीसीज को परेशान करेगा। ठीक है, साथ ही आप देखो कि हम लोग जो है ऐसा काम करें जिससे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन जो है कम से कम हो सके। आप देखो कि जो आज के डेट में CNG वगैरह है लेकिन फिर भी हम लोग पेट्रोल कार से चलते हैं, तो पेट्रोल कार से भी आप चल सकते हो जिसमें कि आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि पोल्यूशन लेवल कम होता है। ठीक है, पेट्रोल भी जब आप लोग मतलब कि फ्यूल अगर आप लोग लेते हो तो उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि CNG को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, तो इसलिए डेली लाइफ में हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करे।
तो डिमांड जब चेंज होगा लोगों का, तो ऑब्वियस है उस तरीके से सप्लाई होगी मार्केट में, ठीक है। तो सप्लाई होगी तो चेंज भी होगा सप्लाई में। लार्ज स्केल इंडिविजुअल डिमांड अगर चेंज होगा तो इससे क्या है कि आप लोग देखो कि जो सप्लाई और जो प्रोक्योरमेंट है एज़ पर द रिवाइज्ड डिमांड वो चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का डिमांड नहीं करेंगे तो फिर मैन्युफैक्चरिंग क्यों होगा और फिर वो चीज़ सप्लाई क्यों की जाएगी। हम लोग यहाँ पे जो डिस्पोजेबल है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, पेपर से बनी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है, कपड़ों को यूज़ करेंगे हम लोग, अपने जूट बैग को जो है मार्केट लेकर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग पॉलीथीन वगैरह का डिमांड नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस है कि पॉलीथीन का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। साथ ही फिर उसके बाद थर्ड फेज़ में क्या है कि चेंजिंग पॉलिसी, जब डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाएगा तो फाइनली हमें पॉलिसी में चेंज करना है। तो एक शिफ्ट देखने को मिलेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट पॉलिसी से हम लोग जो है एक सस्टेनेबल कंजप्शन को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये तीन तरीके का आपको फेज़ देखने को मिलेगा। अब ये समझते हैं कि एक्चुअली आज के डेट में हम लोग मिशन लाइफ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आप देखो डे बाई डे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा इशू बन चुका है जिसके कारण आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो जो IPCC की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमें यहाँ पर पूरा करना है। साथ ही यहाँ पे देखिए IPCC की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि 1.1 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो लोगों की ज़िंदगी है और जो नेचर है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। विदाउट टाइमली एक्शन अगर हम लोग देखें तो 800 मिलियन से लेकर 3 बिलियन पीपल्स जो है वो यहाँ पे क्रॉनिक वाटर स्कार्सिटी फेस करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे वार्मिंग जिस तरीके से गर्मी बढ़ते जा रही है, तो गर्मी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस है कि पानी की मात्रा और पानी की जो स्कार्सिटीज़ है वो भी प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा लॉन्ग टर्म रिस्क हो चुका है ग्लोबल इकॉनमी के लिए। क्लाइमेट चेंज जिसमें कि अगर हम लोग देखें ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, तो इससे जितनी भी ग्लेशियर है वो पिघलेगी। ग्लेशियर पिघलेगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपके जितने भी सी है तो उसमें वाटर लेवल अप होगा। वाटर लेवल अप होगा तो ऑब्वियस है कि जो भी यहाँ पे कोस्ट लाइन है तो उसमें वाटर फ्लो होंगे और फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज़ होगा, और जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे तो उनको यहाँ पे मजबूरन उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक बिग यहाँ पे हमारा जो है लॉन्ग टर्म रिस्क साइकिल यहाँ पे बन चुका है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हाईली वल्नरेबल है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डैमेज देखने को मिलता है, टूरिज्म में डैमेज देखने को मिलता है, और ये दोनों अगर हमारे देश में इम्पैक्ट हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में, तो हमारे देश में जो GDP का 18% और 9% ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसी में जाके इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि हमारे देश के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि प्रोस्पेक्ट एक्शन हमें क्या लेना चाहिए और इससे हमारा क्या क्या बेनिफिट होगा जो मिशन लाइफ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है, 75वीं साल हो चुकी है हमें आज़ादी का, लेकिन जो मिशन है वो यहाँ पे 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस अनवील कर रहे हैं। एक लिस्ट है जिसमें कि 75 लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस रखा गया है। अगर हम लोग ये सारे प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आगे चलकर हम लोग क्लाइमेट फ्रेंडली बन पाएंगे। तो इसमें ऐसे आप देखो कि 7 कैटेगरी है। सबसे पहले स्पेसिफिक और मेजरेबल, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं नेचर से उसको एक मेज़र करके एक शॉर्ट टर्म जैसा कि हाँ हमें इतना ही यूज़ करना है, इस तरीके से हमें लेना है। जैसे आप देखो कि अन्न का बर्बादी नहीं करना चाहिए, तो आप जितना खाना खाते हो बस उतनी ही चावल दाल सब्जियां जो भी आप खाते हो उतनी ही क्वांटिटी में लो। ये नहीं कि प्लेट में सारी चीज़ें ले लिए ज़रूरत से ज़्यादा और बाद में पता चल रहा है कि इतना तो कंजप्शन भी नहीं है और फेंक रहे हैं। तो फेंकना नहीं चाहिए कभी भी खाने को, तो खाना जितना खाना है उस हिसाब से आप लोग। तो वही चीज़ें यहीं पे कही गई है कि मेजरेबल यानी कि इन्वायरमेंट से हमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है बस हम लोग उतने ही करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। ईजी टू प्रैक्टिस है यानी कि ऐसा हम लोग को करना चाहिए जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस कर सके ईजली तरीके से। नॉन डिसरप्टिव है, जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलते आ रहा, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे हमारा बढ़ते जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रुक जाए। जैसे पेंडेमिक के टाइम में आपने देखा था कि कितनी प्रॉब्लम हुई थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। साथ ही जिस तरीके से इंडिविजुअल और कम्युनिटी की बिहेवियर चेंज होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि इन्वायरमेंट की और जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो यहाँ पर कम हो पाएगा। अगर हम लोग बात करें सर्कुलर इकॉनमी की, तो सर्कुलर इकॉनमी कैसा इकॉनमी होता है जिसमें कि कोई भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं हो सकता।
आप देखो कि अगर वाटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो फिर से ऐसा करना चाहिए कि वाटर को फिर से रीयूज़ कर सके, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर इकॉनमी, कि कहीं पे भी जो है कोई भी चीज़ फिर से हम लोग रीयूज़ कर सके, रीजनरेट कर सके। तो सर्कुलर इकॉनमी से क्या होता है कि 14 लाख करोड़ तक का एडिशनल कॉस्ट सेविंग जो है वो हम लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं 2030 तक। साथ ही हम लोग वाटर इफ़िशेंट जो फिक्सचर्स है, टैप्स है, शॉर्स है, ये सब इंस्टॉल करेंगे, तो इससे जो वाटर का कंजप्शन है वो 30-40% तक कम हो पाएगा। तो आप देखो कि जो टैप है, शॉर है, जो भी खेतों में आप देखते हो या फिर गार्डन में देखते हो पानी वगैरह पटाने के लिए फ्लावर्स वगैरह में, तो एक शॉर लगा देना चाहिए या फिर टैप लगा देना चाहिए, जिससे कि पानी जो है उसी जगह पर जाए जहाँ पर ज़रूरत है, पूरी तरीके से स्कैटर ना हो। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो बताया जा रहा है कि 1 out of 8 billion जो पीपल है वर्ल्ड वाइड, उनके द्वारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो अडाप्ट किया गया है अपने डेली लाइफ में, और इससे क्या है कि ग्लोबल कार्बन इमिशन जो है वो 20% तक कम हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, यानी कि 8 billion से अगर एक लोग भी यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर अगर अपनाते हैं, इट मीन्स कि वैसा काम करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके की इमिशन ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ना हो, तो इससे ग्लोबल कार्बन इमिशन जो है वो 20% तक ड्रॉप होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक इंसान भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो हमारी इन्वायरमेंट स्वच्छ होते जाएगी। लेकिन आप समझते हैं कि चलिए ठीक है, लाइफ लाया गया है मिशन लाइफ, तो इसका क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इंडिया के द्वारा। सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि इंडिविजुअल लीड प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया को ही यहाँ पर लेकर चलना है, एक इंडिविजुअल भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। साथ ही इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 4th largest है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो ऑब्वियस है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जिसमें सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, हाइड्रो एनर्जी आता है। तो ये देखो आप लोग कि हमारे नेचर में उपलब्ध है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, साथ ही विंड है, तो इनका हम लोग प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ कैपेसिटी भी है, पोटेंशियल भी है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करें। साथ ही आप देखो कि इंडिया का जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसमें 40% जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से निकल कर आ रहा है, और इंडिया का रैंक अगर हम लोग देखें तो विंड एनर्जी में 4th है, सोलर एनर्जी में 5th है, तो क्यों नहीं हम लोग इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा स्वच्छ हो सके। साथ ही अगर हम लोग देखें मिशन लाइफ, जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का एक पार्ट है, इससे क्या होगा कि इंडिया को काफ़ी मदद मिल पाएगा लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जो कि हम लोग नेट ज़ीरो का एक गोल अचीव करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी 2070 तक। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का जो भी फंडा है उसके अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर पाएंगे, कि जो ग्लोबल इमिशन बढ़ते जा रही है वो कम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप देखो इको फ्रेंडली जो लाइफ स्टाइल है वो विजिबल हो पाएगा, कैसे, तो एवरेज जो कार्बन फुटप्रिंट पर पर्सन है वो हमारे देश में उसको कम करके, और साथ ही आप देखो नेचर के साथ हमें हार्मनी के साथ जीना है, और जो कि हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल का पार्ट है, और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, देखिए डे टू डे एक्टिविटीज़ कहा जा रहा है, जैसे कि हम लोग क्ले वेयर का यूज़ करें कुकिंग के लिए, या फिर टी जो क्ले पॉट में हम लोग बनाएं, सन ड्राइंग करें, क्लोथ्स का जो है हम लोग वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ नहीं करके हम लोग धूप में सुखाएं, साथ ही प्लांट बेस्ड जो इतने भी फूड्स है उसको हम लोग कंज्यूम करें, प्लांट बेस्ड जो बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल्स हैं उसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। तो ये कुछ ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज़ बताए गए हैं जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी थ्रू मिशन लाइफ, ठीक है, तो मिशन लाइफ जिसमें कि आप देखो हर एक लाइफ स्टाइल जो है वो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कि हम लोग नेचर को कैसे कंजर्व कर सके, और मेनली हम लोग को अडेप्ट करना है जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने काम किया है, और एंसेस्टर्स के ही ये देन है कि आज के डेट में हम लोग जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और जो भी गंदगी है वो भी कुछ एंसेस्टर्स का देन है और कुछ हमारा ही देन है कि आज के डेट में इन्वायरमेंट का ये हाल हो चुका है। तो जैसे हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो पूरे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड थे, वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के साथ ही जीते थे, तो हम लोग को भी उसी तरीके से जीना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो P3 मॉडल हम लोग अपना सकते हैं, जो कि है प्रो प्लानट पीपल। तो प्रो प्लानट पीपल का जो ये फंडा है ना, इसे हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्लानट के बारे में सोचें, फॉर द प्लानट, बाय द प्लानट एंड लाइफ ऑफ द प्लानट, इसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे एक सही दिशा में चल पाएंगे, ओके। साथ ही जो यूज़ एंड डिस्पोज इकॉनमी है उसे हम लोग को यहाँ पर रिप्लेस करना होगा विथ सर्कुलर इकॉनमी के साथ, तो ये भी चीज़ें कही जा रही हैं, तो हम लोग इस पर भी फोकस कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है सोशल नेटवर्किंग का, उसको भी लिवरेज कर सकते हैं। और कुछ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे हम लोग को इसके टारगेट को अचीव करना है 2030 तक, तो अगर हम लोग अकेला इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे ना, तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको हम लोग आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गोल नंबर 11 जो कि है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। देन है गोल नंबर 12 जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग वैसे ही प्रोडक्शन करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होगा और हमारे लोगों के लिए सही होगा। साथ ही क्लाइमेट एक्शन जो कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 है, तो क्लाइमेट एक्शन पे हम लोग फोकस करेंगे। लाइफ बिलो वाटर, अगर हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक पे नियंत्रण कर ले तो जो लाइफ बिलो वाटर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइफ ऑन अर्थ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 है। तो इन्वायरमेंट पे अकेले फोकस करने से हम लोग इतने सारे जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम लोग यहाँ पे उसके टारगेट को 2030 तक अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये कहा गया है कि मिशन लाइफ से क्या क्या फ़ायदा है और मिशन लाइफ पे अगर हम लोग फोकस करते तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पे फोकस करना होगा, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है बिहेवियर चेंज। एक चीज़ जो आप करना चाहते हो, जितनी भी चीज़ें आप किताब में पढ़ लो, जितनी भी चीज़ें सरकार यहाँ पे लेकर आ जाए, पॉलिसी लेकर आ जाए तरह तरीके के, लेकिन जब तक आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, नथिंग विल बी गोना बी चेंज। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को सबसे पहले कार, स्कूटर, इंजिन्स जो ट्रैफिक लाइट में होते हैं, जैसे जो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है तो हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, तो उस समय भी आप देखोगे कि कार स्कूटर्स जो है उसके इंजन चलते रहेंगे। तो नो, कार स्कूटर्स के इंजन उस समय आप ऑफ कर दो तो बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि टर्निंग ऑफ करना है, जितने भी रनिंग टैप्स है, जैसे कि आप देखो जहाँ पे पानी का इस्तेमाल है बस वहीं पे पानी का इस्तेमाल हो, उसके अलावा जो है अगर पानी टैप से गिरते रह रहे तो उस टैप को बंद कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग 9 trillion liters ऑफ वाटर सेव कर पाएंगे। साथ ही हमें क्लोथ बैग को यूज़ करना है प्लास्टिक बैग के इंस्टेड, और साथ ही साथ अगर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो हम लोग को 375 million tons जो सॉलिड वेस्ट है उसे भी हम लोग को यहाँ पे सेव कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही हम लोग को डिस्कार्ड करना होगा जो नॉन फंक्शनल गैजेट है, ठीक है, ई रिसाइकलिंग जो नियरेस्ट होगा वहाँ पे जाकर हम लोग को इसको डिस्कार्ड करना होगा। और कंपोस्ट करना होगा जो फूड वगैरह वेस्ट फूड है, जैसे कि हम लोग 15 billion tons ऑफ जो फूड है यानी कि लैंडफिल में चला जाता है उससे हम लोग रोक पाएंगे। तो देखिए इतना सारा काम करने से क्या होगा, अगर हम लोग अपने छोटे से बिहेवियर में चेंज लाते तो उससे आगे चलकर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फाइन, अब यहाँ पे समझते हैं लिस्ट ऑफ एक्शन क्या क्या रखा गया है। पहला है कि हमें तो एनर्जी सेव करना है, ठीक है। एनर्जी सेव करने के लिए LED बल्ब्स वगैरह का यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, ठीक है, अपनी पर्सनल कार को आप लोग छोड़ दो। सेकेंड है कि वाटर सेव करना है, ठीक है। थर्ड है कि हमें यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो है उसको रिड्यूस करना है, ऐसे हम लोग को यूज़ ही नहीं करना है। सस्टेनेबल फूड स्टाइल हम लोग को अडॉप्ट करना है, जैसे कि हम लोग को फूड वेस्ट को घर में ही कंपोस्ट करना है। साथ ही हम लोग को यहाँ पे वो जो वेस्ट रिड्यूस करना है, कचरे वगैरह कम निकालना है, स्वच्छता एक्शन, और कचरे जो है वो इधर उधर डंप हम लोग को कम करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है कि हम लोग को प्लांटेशन पे फोकस करना है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके और हम लोग को नेचुरल और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें जो रिचार्जेबल लिथियम सेल है उसका इस्तेमाल करना है, रिपेयर करना है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करते जाना है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी ही एक्शन है, लिस्ट ऑफ ऐसी एक्शंस आपको निकल कर आएगी जिसका कि हम लोग सच में कर सकते हैं। ऐसी कोई भी यहाँ पे काम नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते बट मे बी हम लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई है। तो ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट में मिशन लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इन्वायरमेंट की कोई भी क्वेश्चन में जो है वहाँ पर पुट कर सकते हो, जिससे आपका आंसर्स जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा और एक वेटेज रहेगा आंसर में। ब्यूटीफुल की बात तो बात अलग है, ब्यूटीफुल तभी होता है जब आपका आंसर जो है एक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करने के लिए UPSC मेंस के लिए आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ पे मेल करके आपको फर्दर आप लोग पता कर सकते हो कि कैसे यहाँ पे जुड़ना है। तो
तो आंसर राइटिंग करते रहिए, अभी प्रीलिम्स पे फोकस नहीं कीजिएगा। प्रीलिम्स पे दो महीने पहले आप लोग फोकस कर सकते हो। अभी जितना आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है टेस्ट सीरीज लगाइए, एनालाइज़ कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री। मेनली क्या है अभी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पेपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जिसकी टाइटल है मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री, जो कि यहाँ पे सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के साथ यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, कनेक्शन अगर हम लोग फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के बीच में देखें तो मेनली आप लोग देख सकते हो कि वर्ल्ड का जो लैंड सरफेस है उसका 31% और फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आप देखते हो फाइबर मिलता है, फ्यूल मिलता है, फूड मिलता है, फॉडर है, जो कि 1/3 ऑफ पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80% जो है वो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है और 50% जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकेले आपको देखने को मिलेगा। तो एक सेफ्टी नेट है हमारे ग्लोबल बींग्स के लिए, और साथ ही साथ जो मिटिगेट करते हैं उसके लिए हेल्प करना है, हेल्प हो जाता है क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने में, यहाँ पे सहूलियत होता है, और एटमॉस्फेरिक जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसमें भी हेल्प हो पाएगा कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो बेटर तरीके से सिक्वेस्ट्रेश हो, यानी कि आपका जो है पूरी तरीके से जो कार्बन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो यहाँ पे प्लांट के थ्रू जो है प्लांट में आ जाए, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। अब ये समझते कि मेन स्ट्रीम कहने का क्या मतलब है, कि बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर फॉरेस्ट्री में मेन स्ट्रीम में लाने का क्या मतलब है। यहाँ पे है कि इंटीग्रेट करना है बायोडाइवर्सिटी को, जो कि हर एक दिन हो सकता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, और साथ ही आप देखो कि प्रायोरिटाइज़ करना जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है, प्लान है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी में हो। ओके, साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है किस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक पॉलिसीज पर ध्यान दे सके। फाइन, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि बायोडाइवर्सिटी को फॉरेस्ट्री में लाने का अप्रोच जो है इसमें इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि टैक्सेस वगैरह होगा, सब्सिडीज़ होंगे, ग्रांट्स होगा, जिससे कि जो फॉरेस्ट के ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसके अलावा मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि RED+ है और अदर कार्बन बेस्ड पेमेंट वगैरह भी है। RED+ के बारे में आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है एंड इसका एम क्या है, साथ ही इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैपेसिटी यहाँ पे पता होना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ की क्या है, लोकल कम्युनिटीज़ की क्या है, सिविल सोसाइटी की क्या है। स्पेशल प्लानिंग बेस्ड अप्रोच की बात की जा रही है कि यहाँ पे मल्टीपल यूज़ प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। साथ ही स्पेसिफिक बेस्ट अप्रोचेज़ की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे स्पेसीज है जो कि यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो उस पर ध्यान देना है। रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम लोग रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन को कम कर सकें। ठीक है, लेकिन आज के डेट में देखिए बायोडाइवर्सिटी मेन स्ट्रीम का यहाँ पे क्या सबसे बड़ी थ्रेट है, डिफॉरेस्टेशन है। जिस तरीके से हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में लगता नहीं कि कोई पेड़ बचेंगे, तो ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, चूँकि हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर। 90% जो डिफॉरेस्टेशन है वो यहाँ पर 18 साल में देखने को मिला, और 30% जो ट्री स्पेसीज़ है अब वो थ्रेटेंड है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ट्री हमारे देश में नहीं मिलने वाली है। साथ ही इलीगल फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ और करप्शन भी है, गलत तरीके से यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। इट मीन्स कि 15-30% जो ग्लोबल टिम्बर प्रोडक्शन है वो हो रहा है, लो प्रोफाइल है कंजर्वेशन का, साथ ही इनसफिशियंट कैपेसिटी भी है, फाइनेंसिंग है, रेगुलेटरी ओवरसाइट है। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस को इन्फोर्स कर सकें। साथ ही आप देखो इनसफिशियंट कैपेसिटी है, फाइनेंसिंग है, रेगुलेटरी ओवरसाइट है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस लेकर आए, लेकिन क्योंकि इनसफिशियंट कैपेसिटी है ना ही उतनी रिसोर्स है, कैपेसिटी है जिससे कि वो इसको मैनेज कर सके। लैक ऑफ इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है। इनसफिशियंट कंसिडरेशन कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट के अगल बगल रहने वाले लोग हैं वो भी उतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। वो भी आप देखते हो कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उन्हीं के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लाइवलीहुड भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो लोकल कम्युनिटीज़ है, इंडिजिनस पीपल है जो कि वो अपने आप में ही मैनेज कर रहे। नियरली आप देखो कि 1 बिलियन हेक्टेयर्स जो कि वर्ल्ड की फॉरेस्ट पाम लैंड है। ओके, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि बेसिकली हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करना होगा, वो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले जो रिस्क है फॉरेस्ट ऑपरेशन का बायोडाइवर्सिटी को लेकर
उसको एक्सेस करना होगा और मैनेज करना होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे हम लोग को सेट असाइड एरिया करना होगा, जिससे कि हम लोग ओल्ड ग्रोथ जो फॉरेस्ट है, जो पुराने समय में आप देखो कि जो फॉरेस्ट और वल्नरेबल हैबिटाट्स जो ग्रोथ हो रहे हैं, उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। एटलीस्ट जो हमारा धरोहर है उसे तो हम लोग प्रोटेक्ट कर ले, कि जो पुराने जितने भी पेड़ वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि सेटिंग ऑफ 15% एरिया अगर हम लोग यहाँ पर सेट असाइड एरिया कर दे विद इन अ मैनेज फॉरेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है हमारा यहाँ पे मैनेज्ड भी रहेगा। साथ ही जो क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज है उसको प्रोटेक्ट करते जाए, जैसे बहुत सारे ऐसे रेयर प्लांट्स होते हैं जिससे कि मेडिसिन वगैरह बनते हैं, वैक्सीन में वो काम आते हैं, नेस्ट साइट्स होते हैं, लार्ज ट्रीज़ है, हेलो ट्री है, डेड वुड है, तो इस पर भी हम लोग को फोकस करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सके जो टिम्बर रिसोर्सेज है, और जो नॉन वुड यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग रेगुलेट कर सके, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करे जो फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज है, जिससे कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ट्री रिसोर्सेज का उसको मेंटेन कर सके और इन्हेंस कर सके। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको रोकना होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण आप देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। मेन स्ट्रीमिंग जो बायोडाइवर्सिटी है फॉरेस्ट पॉलिसी में और जो मैनेजमेंट सपोर्ट में, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा, एक बैलेंस्ड हम लोग को कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ देखने को मिलेगा जो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का है। बट इसकी सक्सेसफुल इंटीग्रेशन जो अगर हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखें, तो इसमें एक हमें सिनर्जी ऑफ एक्शंस लेने की ज़रूरत है इंटरनेशनल नेशनल और लोकल स्टेक होल्डर्स से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेनली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, और अभी हम लोग एक जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है जिसमें कि सब कुछ आते हैं, फ्लोरा फौना स्पीसीज सब आते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, जो कि है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च। एक्चुअली ये नॉन प्रॉफिट ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च वगैरह करते हैं। इसका एम है कि कैसे ह्यूमन वेलबींग को यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट मतलब कि इम्प्रूव करें, और जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें, और जो इक्विटी है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एम है, इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे आते हैं FAO का, जो कि यहाँ पे है। FAO के बारे में समझिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 1945 में इसका गठन हुआ। इसकी आप देख सकते हो कि मेनली इसका एम है कि जो भुखमरी है उससे डिफीट करना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका काम है कि देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी फूड की कमी नहीं होनी चाहिए। गोल है कि फूड सिक्योरिटी सबके लिए अचीव करना है, और साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रोम इटली में है, और इसमें आप देखो 195 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है, फाइन, तो इसको ध्यान रखना है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझे। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस लेसन, और इस लेसन से आप लोग को थोड़ा भी अगर अपनी नॉलेज में इन्हेंसमेंट दिखता है तो उसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, और हमारे साथ यहाँ पे विजन है इसकी मंथली मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए, डेली बेसिस पे लेसन देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलती हूँ मैं कल इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।